फिलहाल दोस्तों हम लोग लाइट में थोड़ा सा हम लोग कौन सी जगह में होंगे अभी? ये तो दीपक बोल रहा है। ये देखिए उल्लू बहुत प्यारा है दोस्तों, रात में उल्लू पकड़े, वाह वाह, अरे गजब, अरे 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 वाह, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये ले रात में जगते हैं, रात में हम लोग को धर्म जागरण के पहले मिला है। ये देखिए कुछ खाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करूंगा। मेरा नाम देसर तर्मा, आज आपको जैसा कि छोटा मोटा ब्लॉग बनाते रहता हूँ दोस्तों, तो आज स्पेशली जा रहा हूँ कोरबा। कोरबा में सतरंगा डैम है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं स्पेशली पिकनिक के लिए। और अभी तो लगभग कितना बजे का हो गया मैं बताऊं? आपका 12:50 हो चुका है और अभी हम लोग पत्थलगांव में है और यहाँ से डायरेक्टली देखिए आग से कर रहा है लोग। हाय हेलो बोल दीजिए दोस्त लोग, माइक पे देखो कैसा लग रहा है आपको पत्थलगांव? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाय लोग, तो फिलहाल दोस्तों बने रेडियो में और इस सारा एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं। इधर मनीष भाई जी है हमारे कुनकरी का, थोड़ा कहा पहले आजकल यही पसंद निवासी बन गया है। तो फिलहाल बने रेडियो में और देखते रहिए दोस्तों क्या क्या मस्ती करते हैं, कैसे कैसे मस्ती करते हैं, सारी चीजों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो बने रेडियो में और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों हम लोग लाइट में थोड़ा सा छोड़ देना। हम लोग कौन सी जगह में होंगे अभी? ये तो दीपक बोल रहा है। ये देखिए उल्लू बहुत प्यारा है दोस्तों, रात में उल्लू पकड़े, वाह वाह, अरे गजब, अरे 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 वाह, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये ले रात में जगते हैं, रात में हम लोग को धर्म जागरण के पहले मिला है। ये देखिए कुछ खाना चाहते हैं बताइए? कुछ नहीं, उल्लू को कुछ खाना चाहते हैं? छोड़ा है ना उसको, तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम लोग कुछ करना तो नहीं है इसका, तो इसको फिर छोड़ दीजिए इसको, ठीक ना, आजाद कर दीजिए। अच्छा रुक ना, देखें तो छोड़ते हुए दिखा दे तो। हाँ इसको हम लोग आजाद करते हैं दोस्तों, रुकना देखें तो दे। मैं बहुत बार रास्ता में देखा हूँ लेकिन रोका, फोटो भी खींचना है क्या? फोटो भी खींचना है क्या? सुध हो गया। अच्छा ठंडा हो गया, अरे यार साइड में कर दो, साइड रख दे, साइड में कर दो ना, उधर नाखून बहुत हार्ड है, बग्गू उधर कर दे, उधर पेट साइड कर दे, छोड़ पे मार दे छोड़। फिलहाल दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सतरंगा डैम और ये डैम है कोरबा में और बहुत खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर फाइनली पहुंच चुके हैं। ये देखिए इधर है दोस्ती यार लोग और इधर पहाड़ भी दिख रहा है और मुझे लगता है सुबह का 6:30 रहा है और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सतरंगा डैम और अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे दोस्ती यार लोग। तो थोड़ा सा बता दो भाई, ये तो डर आ रहा है, एक नाम क्या है क्या ना दोस्ती मैंने क्या लिख रहा है क्या बताओ जो सूर्य मासा नाम बताइए हिंदी ब्लॉग बना लो ना इसी में तो कहा लेकिन कहूँ मैं भी ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे लग रहा है आने में? अभी कितना परेशानी हुआ क्या हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग के यहाँ आके, पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं, टाइप का लग रहा है इससे कोई दर्शनीय स्थल। अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मैं तो पहली बार आया हूँ, क्या के सुना भी नहीं था मैं तो नाम। अरे ये दे भाई अपना स्पेशली से मिला लेता हूँ मनीष भाई, कैसा लग रहा होता आके? बहुत बढ़िया लग रहा इतना, अभी आने में क्या परेशानी हुआ उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं? हाँ थोड़ा बहुत परेशानी हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छा लगा कि हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। अरे देखिए भाई दीपक भाई जो मुझे लगता है फोटो वोटो खिंचाते लगा, ये बताओ ना फोटो वोटो खिंचाते फाइनली पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये हाँ जमा जन कैमरा निकले लिए मोबाइल करके और बढ़िया फोटो शूट कर रहा है। यहाँ पर का जो लोकेशन है बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों और वहाँ पास बोट भी लगा हुआ है और बहुत बड़ा डैम लग रहा है मुझे, बहुत जहाँ तो देखें पानी दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा कोहरा छा हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बने रिप्ड में देखते रहिए क्या क्या होता है। इधर है दोस्तों देखिए यहाँ पर लोग जा सकते हैं बोट के लिए, ऑप्शन है हमारे लिए और वहाँ पर एक छोटा सा टापू बनाया गया है जो मेरे कैमरा में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है ये है जो टापू है वो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ये यही है और हमारा सारा ग्रुप मेम्बर फाइनली पहुँच चुका है। देखिए कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ये भाई है तो
ये भाई है एप्पल में अपना फोटो शूट करा, देखिए बहुत मजा आ रहा है इसको शूट करने के। उधर का कर रहा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो लाइफ आ गया साथ तक मुझे लाइफ में है तेरा भाई पूरा लाइफ लाइफ में तो मजा आ रहा है, ठंडा भी लग रहा है। हम भी आए हैं लाइव, 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 बढ़िया बढ़िया। लाइव आने का मजा ही कुछ और, क्योंकि हम लोग अभी जो भी सिचुएशन कर रहे हैं वो तो मजा आ रहा है कि ऐसे दिखा रहा हूँ, ढोंगा चला रहा हूँ। अबे पूरा डोंगा बना के रखा है, इतना फेमस है तुमको देख रहो ना, तो देख रहो ना दशरथ डस्ट ब्लॉग। अरे थैंक यू दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है, मैंने को दिखा मेरे दिखा, मैं दिख रहा हूँ, थैंक यू, थोड़ा सा चेहरा दिखा, तुम्हारा कमेंट दिखा रहा ना जूम करके भाई, ये देखिए मेरा कमेंट क्या भाई, एम एस एम आर बिलन की क्या लिखा है, स्पेशली कमेंट क्या है, मजा आ रहा है दूसरा डस्ट ब्लॉग। और मैं थोड़ा सा करीब जाता हूँ पानी के, क्योंकि दोस्त लोग चले गया है वहाँ पर, अब का धोने गया था उसको नहीं जानता हूँ, सामान लेकर आऊंगा उसी को धोने गया होगा। और मैं आप लोग को यहाँ पर उसका ड्रोन शो भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अभी लाइटिंग वाइटिंग नहीं है। क्या देखने गए थे दीप भाई लोग, सांप दिख, बड़ा तालाब है ना इसलिए, तो एक बार हमारे वीडियो को शुरुआत कर दीजिए ना आप, छोटा गोवा का स्टार्टिंग करना है, हाँ एक बार कर दीजिए ना, नहीं कर तो दिया हूँ लेकिन कर दीजिए आप अपने हिसाब से। फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। बस बहुत बढ़िया लगा, और लोग आ जाए सुसरेंगा डैम, सतरंगी डैम, सतरंगी डैम, सतरंगी डैम, हाँ मजा आ रहा है। देखिए यहाँ पर पहाड़ भी है बड़ा सा, पता नहीं यहाँ चढ़ने उतरने का सुविधा है कि नहीं, नहीं पता, लेकिन मस्त दिख भी रहा है पहाड़। और जब सनसेट होगा तो आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत तो मज़ा आएगा। तो फिलहाल बन रही वीडियो में और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों हम लोग कितने सदस्य आए हैं, सारे लोग से मिलाता हूँ और आप लोग को परिचित भी करा रहा हूँ, परिचित तो करा ही देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, कितने लोग आए हैं हम लोग, तो बन रही वीडियो में और देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं मनीष भाई से मिलाना चाहूँगा, मनीष भाई मिलो थोड़ा सा और अपना परिचय दे दो थोड़ा सा। हेलो मेरा नाम मनीष कुमार भगत है। हाँ कहाँ से आ भाई दोस्त, पत्थलगांव से डायरेक्ट हमारे साथ बैठ कर। अरे हमारे दोस्त देखिए कुनकुरी निवास बोलो, ये देश भाई है, देश भी हम लोग के साथ में आया है कुनकुरी से। और ये सूरज भाई है, ये भी आया कुनकुरी से। और ये है कृष्णा भाई, यहाँ कुनकुरी से एक है बना। और ये दे निंद्रा, सचिन नाम के रखे मोड़ी के देख, इतने नहीं नहीं काल समझ नहीं आ रहा, मोड़ी को दिखा तो, मोड़ी को दिखा तो, मोड़ी को ऊपर एक बार देख के देखो, मेरा वीडियो फिर खराब हो जाएगा, मोड़ी दिखाना। हाँ ये देखिए अति मत करो ना बे, अति अति नहीं हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मैं और लोकेश से मिलाता हूँ, उधर है दीपक भाई, हाय कर दो दीपक भाई, ये देखिए। और डायरेक्ट इधर अविनाश भाई से मिलाता हूँ, हाँ दीपक भाई, हाय बोलो ब्लॉग को बोलो तब ना, हाय बोलो, हाय ब्लॉग, थोड़ा सा बोलता अभी लेकिन नहीं बोलता। इधर है शरण भाई, हाय बोलो भाई, हेलो फ्रेंड, ठंडा लग रही है, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे हैं। वो तो होंगे ही, भाई का डायलॉग है ना, लेकिन कॉपी कर रहे हैं जरूर जरूर, अपन जो है अभी। और मयंक भाई से मिलाता हूँ दोस्तों, ये देखिए मयंक भाई है, ये भी हमारे कुनकुर से आए हुए हैं। और हेलो कितने सदस्य आए हैं टोटल, हम लोग 12 लोग आए हैं, 12 लोग आए ना जी। और 12 लोग हम लोग एंजॉय करने वाला दोस्तों, ये जो डैम है सतरंगी डैम, क्या है सतरंगा, घंटा के बाद अच्छा लोकेशन और सीन दिखाया जाएगा, जरूर जरूर बहुत मजा आएगा। सूरज ने अभी रात का सफर है भैया, इसी कारण थोड़ा मेकअप उतर गया है तो थोड़ा सा, सही बात सही बात है, मुंह कान भी नहीं धोए हैं, धो देंगे तो ठीक लगेगा, थोड़ा साबुन से धो लेंगे। हाँ जरूर जरूर, सूरज भाई से नहीं मिलाऊंगा, ये सूरज भाई है, देखिए सूरज भाई खाए बोल दो, कुनकुरी करेंगे इधर से बैठा, इधर मिले ही रहे कैसे। तो फिलहाल सबसे मिला लिया मैंने, मुझे लगता है ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी हम लोग काठी खोजेंगे, मजा आएगा, तो बने रिपोर्ट में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों ये हमारा सेटअप है जो हम लोग
लगता है कुनकुरी से लेकर आए हैं। बहुत ही महंगा सेटअप लग रहा है, देखिए इसमें एक स्पीकर लगा है, एक ट्यूटर लगा है, इसका साउंड क्वालिटी भी आप लोगों को सुनाऊंगा। और मुझे लगता है कि पूरी तरह सामान को हम लोग ऊपर नीचे कर चुके हैं, और इधर ये वाला गाड़ी का भी डिक्की खुल चुका है, और इधर आग आग जल इतना लंबा वीडियो बन जाएगा जल गया है, नहीं तो शाम को 8 बजे डलेगा, टेंशन नहीं है। इधर आग आग जल गया, अभी नाश्ता वास्ता बनाया जाएगा। ये देखिए चावल दाल सब दिख रहा है, कढ़ाई दिख रहा है, तो मजा आता है। और आप लोग मैं स्पेशली इसको दिखाना चाहूँगा ड्रोन शूट भी इसका, क्योंकि बहुत मजा आएगा इतना बड़ा डैम का ड्रोन शूट करूँगा। देखते हैं कितना दूर भेजते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रहते हैं तब दिखेगा आप लोग को पूरी तरह से ये डैम। तो बड़े बड़े देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग फन नहीं किए हैं, क्योंकि फन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि कोहरा छा हुआ ना वो थोड़ा सा अलग ही लेवल का है, इसकी वजह से अच्छे से डैम दिखाई भी नहीं दे पा रहा है। और मैं आप लोग को सारी चीज़ को दिखाऊंगा, बोले तो नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो मुझे लगता है ये वाला वीडियो को एक पार्ट बनाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनेगा उसमें मुझे लगता है ड्रोन शूट भी करके दिखाऊंगा, और फन करेंगे हम लोग, नाचेंगे डेंगे गाएंगे जो भी करेंगे सारी चीज़ को दिखाऊंगा, और अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल बने रहे वीडियो में और देखते रहिए कि अभी हम लोग क्या करते हैं। और मैं अब इस वीडियो का अंत भी करना चाहूँगा। तो ये हमारा गाड़ी है डिज़ायर, और स्कॉर्पियो, और यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। देखिए बहुत खूबसूरत लोकेशन है, और इधर सामने में है डैम, और हम लोग इधर आए हुए हैं, और इस गाड़ी के पीछे में लिखा हुआ है देखिए कोरबा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही, और इधर अर्जुन। फाइनली अब मुझे लगता है कि इस वीडियो का अंत करना चाहिए, लेकिन दीपक भाई लोग कहाँ गए, उधर गया है, आ रहा है दीपक भाई लोग, तो मैं थोड़ा सा मिला लेता हूँ दीपक भाई लोग से भी, और इस वीडियो का अंत करता हूँ। उधर है दीपक भाई लोग, आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है, क्योंकि भी हम लोग नाश्ता वास्ता बनाएंगे, उसके बाद मुझे लगता है कुछ समय इंतज़ार करेंगे, फिर हम लोग अपना जो भी बनाना है, चिकन बनाना है, चावल बनाना है, वो सारा चीज़ बनाएंगे। लेकिन अभी मैं इस लोकेशन को दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, और अभी सनसेट हो भी रहा है, लाल दिखाई दे रहा है, और देखो दीपक भाई लोग पानी वानी लेकर आ रहा है, चिकन मछली सबको धोधा के लेकर आ रहा है, और मज़ा भी आ रहा है कि ऐसे लोकेशन को आप लोग को दिखा रहा हूँ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, मज़ा बहुत फन कर रहे हैं दोस्तों, मज़ा आ रहा है। और मुझे लगता है कि सनसेट ऊपर आ ही गया है, तो मुझे लगता है अब इस वीडियो का अंत करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग मिलिए, और मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो फिलहाल मुझे अब लगता है इस वीडियो का अंत करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि सतरंगा डैम में मैं कभी नहीं आया था, इस बार पहली बार आया हूँ दोस्तों के कहने पे, और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिए कितना इंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।